There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahmakumaris. शिव का अर्थ कल्याणकारी, इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित, देहधारी कोई भी परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, वो शिव है। परमात्मा के अवतरण दिवस की यादगार से काफी पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और उसमें जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी हो सकती है, कौन सी हमारी जिम्मेवारियाँ हैं, तो जब अपनी तरफ देखा कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले है, तो उसमें बहुत सी बातें सामने आई कि किस तरफ मैं डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मैं लेकर जाना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी को, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी जिम्मेवारी है। जहाँ मैंने अपनी चॉइस की तो जिम्मेवारी भी मेरी ही होगी। आगे और बढ़ाते हैं इस बात को और देखते हैं कि किस तरह से ये अनफोल्ड होता जाएगा, खुद को मैनेज करने का प्रोसेस। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जिस तरह से पिछली कड़ी में हमने देखा था कि हर बार हम बहुत से सिचुएशंस में ऐसे कह देते हैं कि आई डोंट हैव एनी चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो कहीं ना कहीं जब हमने बातें की थी तो ये बात सामने आई थी कि जो भी डिसीजन मैं लेती हूँ उसमें चॉइस मेरी ही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बातें निकल कर आ रही थी, कोई भी सिचुएशन है, जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, मैं इसलिए कई बार ये कह देती हूँ कि इट्स नॉट माई चॉइस, आई डोंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि फिर उसकी जिम्मेवारी मुझ पर आ जाती है। वी ऑल्सो लाइक वी रियलाइज अबाउट द कर्मा फिलोसफी, सो मैनी पीपल, मोस्ट ऑफ अस, इनफैक्ट आई कैन से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, हम लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ना जीवन में, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अब हमें क्या होता है जब परमात्मा से ये ज्ञान मिलता, या हमने पहले भी कार्मिक फिलोसफी समथिंग जो हमने बचपन से सुना था, तो एक तरफ से कार्मिक फिलोसफी हमें कहता कि हम जो करते उसी का रिटर्न मिलता, लेकिन हमारी अपनी बिलीफ ये कहती कि हमने कुछ गलत नहीं किया तो ये मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो समवे वी नीड टू थिंक कि जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए, फिर भी होती हुई चीज़ें हमें गलत लगती हैं, लेकिन करती हुई चीज़ें हमें गलत नहीं लगती हैं। सी, होती हुई जो चीज़ें हैं, विच इज़ कमिंग, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम देयर, आई डोंट लाइक इट, लेकिन जो एनर्जी हम यहाँ से भेज रहे हैं थॉट, वर्ड, एक्शन के रूप में, हम कह रहे हैं वो गलत है ही नहीं। हमने जो कल के एपिसोड में डिस्कस किया, इट जस्ट स्ट्रक समथिंग हियर फॉर मी, एंड इट वॉज क्यों हमें ये लगता है कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। डेफिनेटली हमने गलत किया है, लेकिन जब हम वो कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये मेरी गलती नहीं है। तो क्या होता है, हम गलत करते हुए भी, जैसे हमने कल देखा कि ब्राइब देते हुए भी हम कह रहे होते हैं मैं सही हूँ, सिस्टम गलत है, अपने आप को जस्टिफिकेशन, मैं सही हूँ। हर कर्म के लिए है ना, हर कर्म के लिए हमने अपने आप को कहा है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, सिस्टम गलत था, सिस्टम गलत था, समवन एल्स इज रॉन्ग। तो इसलिए जब वो मेरे पास वापस आता है, आई से मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, क्योंकि गलत करते टाइम भी मैंने क्या सोचकर गलत किया था, ये मैं तो सही हूँ, सही हूँ। इनफैक्ट ये अपने आप को धोखा देने वाली बात, जो अभी तक हम कहते थे कि आप किसको धोखा दे रहे हो, तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ धोखा दिया, सब कुछ क्लैरिटी से तो कर रहे हैं, लेकिन अगर डीप डाउन तो इनफैक्ट ओह वाओ, मेरा बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन है, एवरीवन यूनिवर्सल आई विल फील दिस हैज हैपेंड, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे व्हाटएवर फिजिकल इलनेस में है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन परमात्मा कह रहा है जो आपने किया उसका ही मिल रहा है, तो वेयर इज द फॉर्मूला, सी द फॉर्मूला इज नॉट वर्किंग फॉर मी, दैट्स इंपॉर्टेंट। क्योंकि पता है कई लोग ये भी बोलते हैं मैंने जानते हुए कुछ गलत नहीं किया, अनजाने में गलत हुआ उसके बारे में मुझे नहीं पता।
हाँ, तो वो तब ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमने लिए ना, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स में हम एक्चुअली तो गलत ही कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को सही बता कर रहे होते हैं। तो फिर जब हम अपना ही अकाउंट चेक करते हैं, अब अगर हम चेक करना शुरू हाँ, करें तो अब कितनी जब बार? हम अपना अकाउंट चेक कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैंने सब कुछ सही किया, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। परमात्मा ने आकर कहा ये फॉर्मूला वर्क नहीं होता है, जो आपने किया वही मिल रहा है। तो नाउ चेक योर कर्म वाला अकाउंट अगेन, एंड नेक्स्ट टाइम जब कर्म कर रहे होंगे तो थोड़ा सा और अटेंशन के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं गलत करते हुए भी अपने आप को कह रहा हूं कि मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि जब उसका रिजल्ट मेरे सामने आएगा मैं फिर वही स्टेटमेंट दूंगा, कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। एंड देन इट मेक्स मी फील वेरी पेनफुल इनसाइड। यू नो दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ पेन। ओके, सो व्हाट यू ट्राइंग टू से एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि आज अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब, और जिसको मैं अभी तक मैं ये कहता था कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है इसलिए मुझे ये करना है, लेकिन आज मैं ये समझते हुए कि मेरे पास चॉइस है और मैंने ये गलत किया क्योंकि मुझे लगा कि इस टाइम की ज़रूरत ये थी, मुझे इस टाइम पे ये ज़रूरत लग रही थी और मैंने ये गलत किया जानते हुए, तो मुझे तैयार रहना चाहिए समवेयर आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि दिस इज समथिंग विच इज़ रॉन्ग विच आई हैव डन एंड इट विल हैव इट्स ओन एंड रिपरकशन। स्टॉप टेलिंग माई सेल्फ दिस एवरी टाइम। इट्स जस्ट दैट करते हुए मुझे नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ, कर तो मैं ही रहा हूँ, इसीलिए इट्स कमिंग बैक टू मी। सिस्टम गलत है तो ब्राइब देना गलत हुआ क्या? नहीं। अब कल को अगर मेरा कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो गया फाइनेंशियल, क्योंकि मैंने जो अभी गलत कर्म किया वो फाइनेंशियल था, कार्मिक लॉ विल वर्क इन द सेम वे। तो जहाँ मैंने एक फाइनेंशियल कर्म जो किया वो रॉन्ग था, कहीं मैंने पैसा गलत तरह से लगाया, तो कहीं मेरा पैसा गलत तरह से फिर चला गया, जाएगा भी। लेकिन जब वो जाता है बहुत तकलीफ होती है तो मैंने कहा और मैंने तो कुछ गलत क्या नहीं हुआ, किया। क्या किया था मैंने। हाँ, तो बी रेडी फॉर बोथ द साइड्स। दिस इज नॉट टू स्केयर आर सेल्व्स, दिस इज जस्ट टू बी अवेयर वाइल डूइंग द एक्शन। सो कीप ऑन डूइंग इट हाउ एवर यू आर कंफर्टेबल, बट रिमेंबर लेट्स स्टॉप दिस सेंटेंस एटलीस्ट, क्योंकि ये सेंटेंस भी हमें बहुत हेल्पलेस फील कराता है। जब हम कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी हमारे जीवन को क्या कर देता है, बहुत कमजोर बनाता है। आज मेजोरिटी हम कहते हैं मैं सबके साथ अच्छी हूँ, मैं सबके साथ अच्छी हूँ, सबने मेरे साथ ही धोखा दिया। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज जस्ट दैट मीन्स इन द लॉ ऑफ एनर्जी इज नॉट वर्किंग। मैं सबके साथ अच्छी हूँ, सबने मेरे साथ धोखा दिया, ये कहाँ वर्क कर रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मैं सबके साथ बोलने में बहुत मीठी हूँ, अंदर लेकिन अंदर मैं उनके प्रति क्या थॉट क्रिएट कर रही हूँ। फिर जब वो एनर्जी मेरे पास रिटर्न में आती तो किस तरह से आती? तो लॉ ऑफ कर्मा एट एवरी स्टेप आई नीड टू रिमेम्बर। धन तो बहुत छोटा लेवल है, लेकिन हर स्टेप पर उस पर देखते जाएं। तो जब हम इस तरह से ध्यान रख कर अपने जीवन को चलाएंगे, जीवन की यात्रा में चलेंगे, तो हमें सबसे पहली पावर ये मिलेगी कि मैं अपना जीवन खुद क्रिएट करता हूँ। हर स्टेप में सीन है, सीन आती, मेरे पास चॉइस है क्या रिस्पॉन्स देना। जो मैंने रिस्पॉन्स चूज किया उस समय मेरे लिए वो सीन बना। आप वही सीन में दो अलग एक्टर्स को अलग अलग रिस्पॉन्स देता हुआ देखेंगे, दोनों ने अपनी जीवन अलग अलग उसी टाइम डिसाइड कर ले। समटाइम्स वी टेक वेरी बिग डिसीशंस, उसी सिचुएशन में दो लोग दो अलग डिसीशंस लेते हैं और दोनों की जीवन की यात्रा बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। लेकिन क्या वो ये कहेंगे कि ओ इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स? नो, इट्स बिकॉज ऑफ दैट डिसीशन विच दे टुक दैट टाइम। चॉइस आई मेड। तो हो तो यही रहा, सिर्फ लिव विद दैट अवेयरनेस, ताकि उससे क्या होगा, जब हम वो जागृत अवस्था में चलेंगे कि हर स्टेप पे मैं अपना जीवन खुद बना रहा हूँ, तो दैट विल गिव मी अ वेरी नाइस फीलिंग, एंड इट इज लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस, आई एम विलिंग टू डू दिस, इंस्टेड ऑफ आई हैव टू डू दिस। एंड द बेस्ट पार्ट इज आई कैन चेंज इट एनी टाइम आई वॉन्ट। एवरी सी टाइम राइट नाउ इफ आई एम नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ विद माई लाइफ, आधे से ज्यादा तो हम लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूं अपने आप से। सुबह उठ के रोज मैं एक ऐसी ऐसे दिन की शुरुआत करता हूँ जो जिससे मैं कोई खुश नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता उस ऑफिस में जाना, मैं नहीं जीना चाहता उस पूरे एटमोसफेयर में, मैं खुश ही नहीं हूँ। अब जहाँ तक जैसे आपने कहा मैं नहीं जाना चाहता उस ऑफिस में, तो अभी भी कुछ लोग कहेंगे ये प्रोग्राम सुनते हुए भी, कहाँ मेरे पास चॉइस है? अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं जॉब ही छोड़ देता ना, फिर मुझे नहीं जाना है। ओके, सिचुएशन कि आप
वो जॉब नहीं छोड़ सकते, ये भी आपका डिसीशन है, ये तो चॉइस है ना कि वो जॉब करते हुए आप फील कैसा करेंगे, क्योंकि वहाँ रहना आपने चूज किया है. सी दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. अगर हम कहें मैं मजबूर हूँ वहाँ काम करने से, फिर आप दर्द में काम करते हैं, आप दर्द में काम करते हैं, नफरत से काम करते हैं, वट एवर. लेकिन जहाँ आप कहते हैं मेरी परिस्थितियाँ या कुछ भी, मेरा परिवार, जो भी एक रीज़न है, उनकी वजह से मैं चूज करता हूँ इस ऑफिस में काम करना, तो मेरी चॉइस है, तो अपनी चॉइस को कैसे निभाना चाहिए? बिकॉज इट एक्चुअली गिव्स यू पावर. या यू नो लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, टेक अ करियर. पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा चाहता है कि वो इंजीनियरिंग करे. अगर बच्चा पेरेंट्स के कहने पर मेडिकल करता है ना, तो वो पढ़ता भी जाता है, प्रोफेशन भी करता है, लेकिन पूरा टाइम उनको ब्लेम करता है, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी, तो देन ही डजंट रियली पुट इन द बेस्ट और इंजॉय. लेकिन जो प्रोफेशन उसने खुद चूज किया होता है, उस प्रोफेशन में कितने भी हर्डल्स आते हैं, ये नहीं है कि उस प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, लेकिन चॉइस किसकी थी? वो प्रोफेशन मेरी थी. उस समय वो कंप्लेंट नहीं कर सकता. जहां आपकी चॉइस है, आप कंप्लेन नहीं करते. अगर वो बच्चा घर आकर कहे कि मुझे ना बहुत डिफिकल्ट है ये इंजीनियरिंग करना, तुरंत पेरेंट्स क्या कहते? आपने चूज किया था ना. सो तो उसके लिए वी मेक इट वर्क. यस, वी मेक इट वर्क. यू पुट इन योर बेस्ट इनटू इट. तो इसी तरह वो ऑफिस जो आप कह रहे हो कि मेरा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता वहां जाना, लेकिन मैंने चूज किया है वहां जाना, नाउ मेक इट वर्क बिकॉज इट्स योर चॉइस. लेकिन अगर आप मजबूरी समझ के, चाहे ऑफिस या किसी रिश्ते में है, आज लोग बहुत सारे रिश्तों में हैं, चूज भी कर रहे हैं लेकिन मजबूरी से रहते हैं, तो दर्द में रहते हैं. यू आर चूजिंग, माय मदर इन लॉ शी इज लाइक दिस, बट आई हैव नो चॉइस, आई हैव टू स्टे विद हर. यू आर चूजिंग टू स्टे विद हर, नाउ मेक द मोस्ट ऑफ इट. ये आपकी चॉइस है. अब यहाँ क्या क्रिएट करना है वहां रहते हुए उनके साथ, चूज इट. लेकिन जब हम कहें मेरी चॉइस नहीं है, तो हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, और फिर हम कर भी रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घुट भी रहे हैं. और वो दिस इज नॉट सेल्फ जेन्युइन होती है. जेन्युइन घुटन जेन्युइन कैसे हो सकती है? मतलब वो घुटन जो है वो महसूस तो हो ही रही होती है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ तो बहुत हो रही होती है. एंड मोस्ट ऑफ अस कैन स्पेंड आवर होल लाइफ इन दिस. वी मीट लॉट ऑफ गर्ल्स, वुमेन नाउ, दो कहेंगे मैं आई वाज अ वर्किंग गर्ल, लेकिन शादी करने के बाद मुझे कहा गया कि आपको जॉब नहीं करना, चॉइस. कहेंगे नो, नॉट माई चॉइस, माई फैमिली मेड मी डू इट. एंड फिर पूरी जीवन कैसे काटेंगे? रहेंगे उसी परिवार के लिए, त्याग भी उनके लिए किया लेकिन अंदर से नहीं किया. ऊपर से त्याग किया, अंदर से दर्द दर्द दर्द. फिर कहेंगे इतना इनके लिए किया, ये अभी भी खुश नहीं है मेरे से. क्यों खुश नहीं है? क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ. तो फिर वो जीवन की पूरी यात्रा कैसे हो जाएगी? आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू. तो हमने एक बहुत अच्छा स्लोगन एक जगह पढ़ा, जस्ट चेंज वन वर्ड, हैव टू की जगह वॉन्ट टू, एंड योर लाइफ विल चेंज. एंड इट वर्क्स. आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस. इवन गेटिंग अप ऑन अ मंडे मॉर्निंग एंड सेइंग आई हैव टू गो टू वर्क एंड आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, दोनों में कितना फर्क है. आपकी एनर्जी लेवल ही चेंज हो जाती है. आई वांट टू मेडिटेट, आई वांट टू मेडिटेट, या आई हैव टू मेडिटेट. तो वो जीवन को आप एंजॉय करने लगेंगे. अब जैसे हम कहते टाइम इज मनी, यू नो, आज दुनिया में भी कहते टाइम इज मनी. तो हमने शुरू ही ये किया था कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम मिला है इस क्रिएट करने के लिए. हमें ये नहीं पता कि वो टाइम कितना है. मैं इस कॉस्ट्यूम में कितने टाइम के लिए हूँ, आई डोंट नो. वॉट टू क्रिएट, I will choose. Lekin do I have a clear sense of a goal and aim? Ki mujhe itne samay mein kya karna hai? Jaise time is money kehte, to jitna paisa mere paas hai, mere paas kitna clear ye hota hai, mujhe is paise se kya kya karna hai. Jitna samay mere paas hai, kya mere paas wo clear goal hai, mujhe is samay mein kya kya karna hai? Am I very clear with my goals and aims and objectives? क्योंकि अगर clear नहीं होता, तो आप देखो जीवन में चलते चलते बीच बीच में question उठता, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब? मेरे जीवन का purpose क्या है? Why am I here? What am I doing? This is meaning leading a life, लेकिन ये नहीं पता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं. तो जब भी ये मन में question उठता, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, इसका क्या? Many people
उनका सबसे बड़ा, उनको पूछो यू हैव एनी क्वेश्चन, दे विल से व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. अ पर्पस ऑफ माय लाइफ, हाउ कैन यू आस्क समवन एल्स? ओह, वी आर डूइंग दैट, यू नो, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. हाउ कैन यू आस्क समवन एल्स व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ? दैट मींस आई एम लीडिंग अ पर्पसलेस लाइफ. मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है. तो हम अपने जीवन का कोई गोल, कोई एम, ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं सेट कर पाते? क्योंकि दो चीजों की कमी है. एक, हमने अपने जीवन का कोई पर्पस नहीं बनाया. गोल इज सेपरेट, पर्पस इज सेपरेट. उसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि गोल क्या है, पर्पस क्या है. और दूसरा, हम हमने अपने जीवन की कोर वैल्यूज नहीं डिफाइन की है. एक बार हमारी कोर वैल्यूज और जीवन का पर्पस डिफाइन हो जाए, फिर गोल सेट करना बहुत ईजी हो जाता है. एंड फिर ध्यान रखना कि जो गोल मैं सेट कर रहा हूँ वो मेरे पर्पस और वैल्यूज के साथ क्लैश ना करे, मैच करे. इस पर मनन भी करना पड़ेगा कि मेरे जीवन का पर्पस और वैल्यूज क्या है. एंड दिस नीड्स टू बी रिटन समवेयर. हर एक के पास ये लिखा हुआ होना चाहिए ताकि जब आपकी लाइफ में कोई द्वंद आता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि आजकल कई बार आता कि मैं ये करूँ या ये करूँ, गो पिक अप दैट चिट फर्स्ट जो वहाँ रखा था. क्योंकि ये गोल्स हैं लेकिन पर्पस और वैल्यूज क्या है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में उसको मैनेज करने में, यू नो, अपने जो ज़रूरतें हैं दुनिया भर की या जीवन की जो ज़रूरत है उन्हीं को पूरा करने में हम इतने इन्वॉल्व हैं कि ना हमने पर्पस के बारे में सोचा, ना हमने वैल्यूज के बारे में सोचा है, और गोल तो समझ में नहीं आता कि पर्पस के बारे में सोचते भी तो भी क्या पर्पस दिखाई देता, जीना और अपने बच्चों को पालना. तो यू नो इट्स अ वेरी एक्सटर्नल पर्पस, तो वो पर्पस नहीं है. फिर हर थोड़े दिन के बाद ये आता, क्या कर रहे हैं हम. यू नो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. क्या कर रहे हैं हम. वेयर एम आई गोइंग, यू नो, मैं किस तरह की जिंदगी जी रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और उसके बाद फिर उसी डर्रे में चले जाना. आज क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चन अराइज होता है ना, उसको दबा देते हैं. क्वेश्चन आता है, सबके मन में आता है, ये कभी ना कभी हर एक के मन में क्वेश्चन उठता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है. लेकिन फिर छोड़ते हैं, छोड़ो ना, काम करो, बच्चों को संभालो, परिवार को, बहुत सारा काम, ये क्वेश्चन को, ये सब फिर सोचते जब रिटायर हो जाएंगे ना. स्पिरिचुअलिटी विल गिव अस द आंसर्स फॉर ऑल दिस क्वेश्चन, बट पर्पस ऑफ माय लाइफ इज नाउ. थ्रू आउट माय एंटायर लाइफ आई नीड टू चॉक इट आउट व्हाइल आई एम ऑन द जर्नी इन दिस लाइफ. अब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए हु इज वेरी फोकस्ड, बहुत क्लियर है कि वो अपने जीवन में क्या चॉइसेस बना रहे हैं. डिसीशन लेना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा. दे विल नॉट गो अराउंड आस्किंग पीपल, आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना. उनके पास सिर्फ अपना वो पर्पस ऑफ लाइफ और वैल्यू वाला चिट सामने होगा. हियर व्हाट इट इज, सच अ पर्सन नेवर नीड्स हेल्प टू टेक देयर डिसीशंस. अगर मैंने अपना डिसीशन अपने वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए लिया तो मुझे कभी भी अंदर से घुटन की फीलिंग नहीं आएगी, चाहे वो डिसीशन कोई भी डिसीशन. You know, now a lot of people are going to ask us, what should be the purpose of our life? Yeah, good. You know? I didn't mind that. That is an okay, good question. But we will not find the purpose. We can just take them on a journey to find their own purpose. Because everyone will have to find the purpose for themselves. If we have ready-made answer, कि दिस इज पर्पज ऑफ योर लाइफ, दीज आर योर वैल्यूज, वो आज पेपर पर लिखेंगे, कल छोड़ देंगे उसको. जैसे ही सिचुएशन सामने आई, वो छोड़ो इसको, आई हैव टू डू दिस. तो एक जिस तरह से जीते जा रहे हैं उसी तरह से जिएंगे. तो इट हैज टू कम फ्रॉम मी. हर एक को अपने आप के लिए ये ढूंढना पड़ेगा. तो जो लोग ये बहुत फोकस्ड और यू नो जिसको कहें वेरी क्लियर कि उनका डिसीशन क्या होना चाहिए, उनके एटीट्यूड्स क्या होने चाहिए, उनके पास तीन बातों का आंसर होता है. वो कौन है, पहली बात. वो यहाँ क्यों है. एंड तीसरा, उनका रोल क्या है. ये तीन क्वेश्चंस के अगर आंसर मिल जाते, हु एम आई, वेयर एम आई एंड व्हाई एम आई हियर. आई नीड दीज थ्री आंसर्स. हु एम आई, वेयर एम आई हियर एंड व्हाई एम आई हियर. ये तीन आंसर्स मिल गए, पर्पस और वैल्यूज ढूंढना बहुत ईजी हो जाता. लेकिन जैसे ही हु एम आई को आंसर करना शुरू करते हैं तो वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ही खड़ा हो जाता है. और आज दिन तक तो जब तक परमात्मा से ये ज्ञान नहीं मिला था तो यही सुना था कि हु एम आई इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. यू स्पेंड ऑल योर लाइफ सर्चिंग फॉर इट. तो जब तक हु एम आई नहीं आंसर हुआ
तो माय पर्पस एंड माय वैल्यूज वो नहीं पता चलेगा, क्योंकि पर्पस और वैल्यूज किसका है? माय पर्पस माय वैल्यूज, लेकिन वो मैं कौन? वो मैं का जैसे ही आंसर निकलेगा तब तो उसकी वैल्यूज निकल कर आएंगे ना. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसलिए सब कहते हैं कि जब तक हुए माय का आंसर नहीं आता तो बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रह जाते. आज अगर हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर एक लेबल लगा है. कोई भी ड्रेस देखो ना, उसके ऊपर लेबल है, कौन सा मेक, क्या कॉस्ट, क्या डिज़ाइन, कैसी इसकी वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस है, सब कुछ लेबल्स लेबल्स, हर जगह लेबल्स. अपने आप को देखो, हमारे ऊपर भी एक लेबल लगा हुआ है. जिसको भी हम मिलते उनके ऊपर भी तुरंत हम एक लेबल लगा देते हैं. बिना लेबल के किसी को देखना या किसी से मिलना इज़ बिकम डिफिकल्ट. हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, लेबल, फैट थिन, प्रोफेशन, डॉक्टर इंजीनियर, वट एवर, लेबल्स. जैसे ही हम औरों के ऊपर इतने लेबल्स लगाते, अपने ऊपर भी हमने लेबल्स लगाए हुए हैं. हु एम आई, तो ये पूरी लिस्ट ऑफ लेबल्स आ जाती. और जैसे ही ये लेबल्स बन जाते, मेरी पूरी जीवन पता है किस में बीतती है? इन लेबल्स को डिफेंड करने में, इन लेबल्स को संभाल कर चलने में. क्यों? और इन लेबल्स के ऊपर ही मेरी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है. मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस लेबल पर ही डिपेंडेंट है. मैंने अपने आप को ये लेबल दिया, अब जो भी दूसरा है वो ये लेबल एक्सेप्ट करे, उसे समझ में आए कि मैं ये हूँ. एब्सोल्युटली. जैसे ही किसी ने मेरे उस लेबल को थ्रेटन किया, लेट्स से माय लेबल इज आई एम अ हिंदू, सिंपल लेबल. जैसे ही कोई कहे तो हिंदुइज्म के अगेंस्ट कुछ, आई एम एन इंडियन, ये मेरा लेबल है. कहे कोई अब इंडिया के बारे में कुछ भी, एंड आई विल गो लाइक दिस, मुझे कह दिया. एंड देन वी से पेट्रियोटिज्म, यस, बट पेट्रियोटिज्म डजंट मीन दैट आई नीड टू रिएक्ट. लेकिन मेरा लेबल है, और जैसे ही किसी ने उस लेबल को स्क्रैच किया, उसको हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया. लेट से आई एम अ डॉक्टर, किसी ने भी अगर कहा कि ऐसे नहीं ऐसे, मुझे कह दिया, एंड आई विल गेट हर्ट. आई एम अ मदर, किसी ने मेरे बच्चों के बारे में कुछ कह दिया, आई गेट हर्ट, मेरे लेबल को स्क्रैच कर दिया. नाउ दिस इज माई आइडेंटिटी. अगर ये जो लेबल्स की पूरी लिस्ट है ये मेरी आइडेंटिटी होगी, तो व्हाट विल बी माय वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन देम, यू नो, डिपेंडिंग ऑन दीज, इनको सेव करने के लिए लेबल्स. एब्सोल्युटली. मेरी वैल्यूज हु एम आई पर डिपेंड करती है. तो जैसे ही हु एम आई, वाइफ, मदर, वुमन, इंडियन, हिंदू, ये आंसर आएंगे, तो वैल्यूज भी क्या आएंगे? सब उससे रिलेटेड आएंगे. और उन्हीं को बचाने के लिए, उन्हीं को यू नो बहुत अच्छी तरह से शो करने के लिए कि दिस इज व्हाट आई एम. एब्सोल्युटली. क्योंकि वैल्यू का मतलब ही क्या होता है? व्हेन वी से वैल्यूज, तो वैल्यूज मींस समथिंग दैट आई केयर अबाउट. आई से आई वैल्यू यू, आई वैल्यू दिस रिलेशनशिप, आई वैल्यू माई जॉब. इट्स वैल्यू, समथिंग दैट आई केयर अबाउट. अब अगर मैं अपने आप को एक प्रोफेशन के साथ एसोसिएट करती हूँ, तो व्हाट विल बी माय वैल्यू? यू नो, पावर देयर, पोजीशन देयर, माय रोल देयर, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट प्रोफेशन, एवरीथिंग. नाउ माय वैल्यूज मींस आई विल ओनली बी रिलेटेड टू दैट पावर, पोजीशन, दैट रोल दैट आई प्ले देयर. तो सारा दिन मेरा पूरा ध्यान किस पर होगा? उस पर होगा. इफ माय लेबल इज, फॉरगेट एनीथिंग एल्स, इफ माय लेबल इज आई एम अ ब्रह्मा कुमारी, होल थिंग इज लाइक रिलीजन, फिलोसफी. अगर किसी ने मेरी नहीं मतलब, लेकिन जो भी फिलोसफी आई एम प्रैक्टिसिंग इट, लेट समवन से एनीथिंग अगेंस्ट दैट फिलोसफी एंड आई विल गेट हर्ट. स्पिरिचुअलिटी वैनिश्ड, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी वॉज एक्चुअली नॉट टू गेट हर्ट. लेकिन मैंने वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझा, मैंने अपना लेबल कौन सा अटैच कर लिया, आई एम दिस. हाउ क्रिटिकल दैट इज. आज हमने अपने लेबल्स पर रिलीजन को लगाया है, एंड दैट्स वाई इन द नेम ऑफ रिलीजन वी आर फाइटिंग विद ईच अदर, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने रिलीजन को, अपने प्रिंसिपल्स को, अपनी फिलोसफी को, क्योंकि दिस इज वॉट आई वैल्यू. नो वन कैन डू और से एनीथिंग टू दिस देन टू प्रोटेक्ट. दिस इज इम्पोर्टेंट टू मी, यस, यू नो, लाइक, ओह यस, वेरी ट्रू. ये सारे जो लेबल्स हैं, अब परमात्मा आकर हमारे ये सारे लेबल्स हटा देता और हमें दिखाता कि हम एक्चुअली कौन है. और जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि हम एक्चुअली कौन है, हु एम आई जब आंसर हो जाएगा, तो वैल्यूज एंड पर्पस वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है. वेरी ट्रू. तो जब तक वो आंसर नहीं होता, लेट्स सिट इन साइलेंस फॉर 1 मिनट और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि हु एम आई. और जो जो आंसर बाहर के अक्वायर्ड लेबल्स के हों, उनको एक साइड रखते जाए,
this is mine, my religion, my role, my responsibility. तो जिन जिन labels के साथ my आता उसको हटाते जाएं. This is a label, which is fine. This is there. Mine. But this is mine. मुझे उस answer पर आना है कि who am I? तो अपने आप के साथ बैठे और अपने आप से ये question पूछे कि जैसे ही हम I कहते हैं तो क्या क्या आता है सामने. और धीरे धीरे जो जो चीजें इस जीवन की यात्रा में अक्वायर की हैं, हमने प्राप्त की हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, वो हमारी डिग्रीज हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी और पोजेशंस हैं, वो सब कुछ मेरे हैं, उनको एक साइड रखते जाएं. यस आई अंडरस्टैंड ये मेरे हैं, लेकिन फिर भी मैं कौन? थॉट्स, फीलिंग्स, ये भी मेरे हैं, मैं कौन? लेट मी ट्राई एंड फाइंड आउट हु एम आई, टू हूम ऑल दिस बिलोंग्स. जैसे जैसे हम एक एक लेबल को गिराते जाते, धीरे धीरे हम खो नहीं रहे हैं कोई भी चीज को, हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि मैं कौन, मेरा क्या क्या. एक एक लेबल को हटाते हटाते वी कम टू आवर सेल्व्स. आई दैट बीइंग, द एनर्जी, जस्ट मी, जो इन रिलेशनशिप्स और इन रोल्स को प्ले करती है. आई कॉन्शियसनेस, I am that being of energy. And now, as I set out throughout the day with this identity, कि ये सब कुछ मेरा है, लेकिन मैं ये हूँ, तो आज के दिन मैं अपनी values को देखना शुरू करते, अपने purpose को ढूंढना शुरू करते. Let me explore it with myself today. शांति सुशिवानी, जिस तरह से आज पूरी बातचीत रही और जहाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और डायरेक्शन की बात कर रहे थे, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यही कि मेरे जीवन का पर्पस क्या. और उसमें आपने कहा कि जब तक वैल्यूज़ नहीं आएंगी सामने, तब तक, जब तक मैं खुद को नहीं पहचान पाऊँगा, तब तक ना वैल्यूज़ को ले पाऊँगा, ना पर्पस पता चल पाएगा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि खुद को हमें पहचानना है. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस थ्रू this journey. We'll then take it up tomorrow. Yes. That how do I find my purpose and values? Yes. Then. We'll talk about it tomorrow, because aaj hamare paas nahi raha waqt, lekin aaj jo humne samjha hai wo bhi bahut important hai. Ek pura time chahiye usko seep in karne ke liye. Om Shanti.